अगर आप मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, अगर आपने एक नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है या फिर नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेडिकल स्टोर को चलाते वक्त वो कौन से दो डॉक्यूमेंट्स हैं, दो रजिस्टर हैं जो आपको ज़रूर मेंटेन करने चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि ना मैं शेड्यूल H1 की बात कर रहा हूँ, ना मैं रजिस्टर जो है नारकोटिक की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और रजिस्टर की बात कर रहा हूँ जो आपको मेंटेन करना चाहिए और जो आप कहीं किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी। वो मैंने अपने अनुभव से अपने ऑडियंस को समझाने बताने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो रजिस्टर है वो ये है कि आप जब शॉप पे बैठें तो आपकी शॉप की सेल क्या हुई है, पर डे की सेल क्या हुई है, आपको एक रजिस्टर में उसको प्रॉपरली लिखना चाहिए। मैं अपने पहले भी कई वीडियो से बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप डे वाइज अपनी सेल लिखें। सही, ये मान लीजिए आज 6 तारीख है या 5 तारीख है, तो 5 जून साल 2024 आपने मान लीजिए जिप्पी 200 बेचा, तो जिप्पी 200 एक स्ट्रिप 107 रुपये का, जीरो डाल SP एक स्ट्रिप 130 रुपये का, रेपी क्लेप 625 एक स्ट्रिप 204 रुपये का। ऐसा करके आपको बाकायदा लिख के चले आना है और अंत में जब आप डे को क्लोज करें तो आप जोड़ें कि आपने कितने रुपए की दिन भर में सेल की है। ये आपको मेंटेन करना है, ये आपका एक प्रकार के आईने का काम करेगा कि आपने दिन भर में कितने की बिक्री की। दूसरा रजिस्टर होगा आपका ऑर्डर बुक। ऐसा बुक होता है ये, ऐसी रजिस्टर होती है ये, जिसमें आपने आपके शॉप पर किन किन चीज़ों की कमी है, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने आपसे कोई दवा मांगी, आपके पास वो दवा नहीं है, तो आपको वो उस ऑर्डर बुक में लिख देना है, नोट कर देना है। कोई दवा आपका स्टॉक में ख़त्म हो गया, वो दवा जो ख़त्म हुई वो आपको अपने ऑर्डर बुक में नोट कर देना है। और यकीन मानिए, ये सेल बुक और ये ऑर्डर बुक या फिर रजिस्टर जो भी आप समझें, वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में आप अगर इसको फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी मिस करेंगे तो आप धीमे धीमे करके घाटे में चले जाएंगे और आप जान भी नहीं पाएंगे। आप जब लिखेंगे उसको कि आपने आज कौन सी चीज़ बेची, कितनी अमाउंट में बेची, कितना स्ट्रिप बेचा, तो आपके दिमाग पे रहेगा कि हाँ, ये तो ख़त्म होने वाला होगा, तो ख़त्म हो गया होगा, तो ख़त्म होने हो जाएगा, तो आप उसको आपके माइंड में रहेगा और आप जी आप वहाँ पर ऑर्डर बुक में लिख लेंगे। फिर जब आप हफ्ते में एक बार जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर बुक खोल करके आप बकायदा उन आइटम्स को मंगा सकते हैं जिससे कि आपका जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये एक प्रॉपर तरीका है और मेरे ख्याल से इसे जो लोग नए मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं या खोल रहे हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावशाली है, जो मैंने खुद ने यूज़ किया है, खुद ने अपनाया है और मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता था। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। लेकिन अभी तक इस वीडियो में इतने ध्यान से बने के लिए आप सभी का